आली मन लागे वृंदावन को। पांचवें दसवें इतना भैया कल से फरी कर आदि मोह लागे धर धर तुलसी धाम।
टेबल है ना, वो टेबल ले आओ इधर, और मोर से ग्रंथ रहते खाता डाच फिर दे दे। अरे तुम कही बो ठीक है, कही से कही तुम से कह तब पर तुम कही बारे में हाँ ठीक आराम करो को हाँ खड़े हो जा छिड़ा सामूहिक रूप में जो विशेष रूप में धाम का परिक्रमा होता था इनके द्वारा ये
पूर्ण पूर्ण मात्रा में उसका आस्वादन नहीं कर पाते थे, मतलब पूर्ण रूप में ये स्वयं ही क्या करते हैं, उत्तम वैष्णव है। तो ये उत्तम वैष्णव का लक्षण शास्त्र में बताया गया सर्वभूतेषु भगवत भावात्मनः, कि ये लोग सर्वभूत में क्या करते हैं, उसी धाम के स्वरूप को अपने हृदय में इतना रूप में आविष्ट होते हैं कि और दूसरे जीव को उद्धार करने के लिए सोचते हैं, उनके साथ जो परिक्रमा कर लिया और उनके साथ में परिक्रमा किया। तो देखो सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, ये लीला में कितना आविष्ट रहते थे अपने जो निकुंज की लीला में। ये दूसरे को विशेष रूप में इन्होंने ग्रंथ तो प्रकाश किया, लेकिन विशेष रूप में सामूहिक रूप में इन्होंने किया कि परिक्रमा करके धाम को दर्शन नहीं करवाया। इसके पश्चात श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर और उनके अनुगत में श्री प्रभुपाद ने इन्होंने गौड़ीय जगत में एक विशेष चीज बताया कि अपना धाम का विशेष रूप में परिक्रमा करना शुरू किया। और उसी के क्रम अनुजाई हमारे परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और हमारे गुरुदेव ने इन्होंने भी विशेष रूप में आज तक की धाम का विशेष रूप में परिक्रमा करना इन्होंने दिखलाया। और अभी तो लॉकडाउन का समय है, लेकिन ज्यादातर गोले मठ में ये परिक्रमा नहीं हुआ, लेकिन गुरुदेव का दो चीज में विशेष रुचि था, एक तो धाम का परिक्रमा और दूसरा चीज रूपानुगत्यता, कि हम रूप गोस्वामी के अनुग है, रूप गोस्वामी के हम अनुगत्य में क्या करेंगे ना, भजन करेंगे। हमारे एम यही होना चाहिए कि राधा दर्शन, गुरुदेव जिसको भी देखते थे, कोई छोटे बच्चा क्यों ना हो उसको पूछ देते थे भजन करके तुम्हारा एम क्या है, बोले कोई बोल देता अनुकूल कृष्णानुशीलनम गुरुदेव की सेवा करेंगे ये हो, तो गुरुदेव डांट के बोलते हैं ये हमारा एम है, हमारा एम क्या है ना, राधा रानी के दास्य होंगे, राधा रानी के अनुगत के, उनके गोपी भक्त पद कमल तब दास अनुदास, उनके दास के दास के दास होकर उनकी सेवा करना। राधा पक्षपाती जय जना से जना जय भाव सेवा में थके आमी तो सर्वदा राधा पक्षपाती कभू नहीं मेरी थके। इस जो प्यार तीनों ठाकुर ने इस कीर्तन का पूरा मूर्तिमान स्वरूप हमारे हृदय में। तो जब गुरुदेव को एक बड़े अच्छे बात याद आ रहा है कि किसी समय श्री प्रभुपाद के पार्षद श्री केशव प्रभु कृष्ण केशव प्रभु पूरी में जो भक्ति श्री माधव गोस्वामी महाराज ने बनाया उसी प्रभुपाद के जन्मस्थान गौड़ीय मठ में थे। तो उसी समय एक सिंघानिया प्रभु नाम का उनका एक शिष्य था, तो उनका एक छोटा बेटी उनका नाम विशाखा था। तो एक दिन सुबह पूज्य पाद कृष्ण केशव प्रभु प्रभुपाद के पार्षद उन्होंने उस विशाखा बच्ची को बोला कि सुनो तुम कुछ अपने मन से अगर क्वेश्चन करना प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं खुद अपने तरफ से तुमको कुछ हरी कथा सुनाऊंगा। तब विशाखा ने बोला कि प्रभु जी आप कृपा करके रूपानुगत्य का बारे में और परिक्रमा के धाम के परिक्रमा के बारे में मुझे बताइए, उसका विशेष महत्व मुझे बताइए। तो मुझे बात कृष्ण केशव प्रभु ने बताया कि आपकी जो बच्ची ये विशाखा नारायण महाराज का संग करता है क्या? तो सिंघानिया प्रभु ने बोला कि अभी अभी तो हम मथुरा से परिक्रमा करके आए। तो गुरुदेव का कितना प्रभाव है कि छोटे से बच्ची पूरा जो जानता ही नहीं रूपानुगत्य था और जो धाम के विषय में, और हमारे गुरुदेव के प्रभाव कितना प्रभाव है कि हर कोई जानता है। जैसे नवदीप धाम में हम लोग परिक्रमा करने जाते हैं, वहां पे जो केशव जी गोले मठ है गोले डेला पे, उस पहले पहले जब हम गए थे तो मंदिर के बारे में जब गए कि ऐसा ऐसा एड्रेस कोई नहीं जानता, बस एक बार बताया तो नारायण महाराज का मंदिर बस ले जाते। और जब नवदीप धाम परिक्रमा होता है, परिक्रमा के पूरा का पूरा जितना भी सारे के सारे जो दर निकल के जो भक्तगण जब परिक्रमा करने लगते हैं या ब्रजमंडल हो या पूरी धाम में परिक्रमा करने लगते हैं, तब सबके सब बोलते हैं ये जरूर नारायण महाराज जी का ही दल है। हमने तो खुद देखा नेपाल पूरी में जब रथ यात्रा होता है तो जब गुरुदेव के पोस्टर लेके और पूरा कीर्तन के साथ जाते हैं हम लोग, पूरा पुलिस लोग साथ के सारे भेज जाते हैं, बोलते हैं ये जरूर नारायण महाराज के दल है, ये यहाँ से इतने जल्दी हटने वाले नहीं है। सारे के सारे लोग वहीं जमा हो जाते कीर्तन करते करते, तो सारे के सारे पुलिस आके उनको हटाने लगते। तो ये गुरुदेव का विशेष देन है हम लोगों के ऊपर कि हम रूपानुगत्यता को विशेष रूप में जान पाए, जो गुरुदेव ने कितने कितने सुंदर उसी ग्रंथ को विशेष रूप में प्रचार किया, जिसको हमारा सोच दिमाग से भी परे था उसको हम बड़े अच्छे तरह से उनके जो भाष्य के द्वारा उनके जो टीका के द्वारा दिग्दर्शन टीका के द्वारा बड़े अच्छे समझ से उनको हम समझ पा रहे हैं।
और जो धाम का जो परिक्रमा है, विशेष करके ब्रजमंडल, गौरमंडल और क्षेत्रमंडल धाम का जो परिक्रमा, तो इसको भी गुरुदेव ने बड़े महत्व देते थे। और वास्तविक जो संप्रदाय की रक्षा है, यही धाम परिक्रमा है, संप्रदाय का रक्षा है। संप्रदाय की रक्षा मतलब जिस समय संप्रदाय में कुछ अपसिद्धांत आ गए थे, कुछ अपने अपने मायावादी मत और ब्रह्मवादी मत, बहुत सारे मत को जगत में फैलते हुए ब्रह्मवाद ने देखा, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वस्त्र को चेंज कर दिया, क्योंकि पहले सब सफेद वस्त्र ही था, फिर ब्रह्मवाद ने इसको कसाई वस्त्र किया, फिर दीक्षा देना भी शुरू किया, और उसके बाद ब्रह्मवाद ने क्या किया ना, धाम का जो परिक्रमा करना विशेष रूप में शुरू कर दिया। तो जैसे परिक्रमा होता है, एक क्या होता है ना, जो प्रभुपाद ने जिस चीज को किया वास्तव में यही संप्रदाय का रक्षा है, क्योंकि संप्रदाय में अपसिद्धांत घुस जाता है। तो धाम का जो परिक्रमा होता है तब क्या होता है, बहुत सारे लोग उसमें धाम में भाग हिस्सा लेने के लिए आते हैं, परिक्रमा करने के लिए आते हैं, तो वहां पे प्रभुपाद धाम के स्वरूप को छोड़ के, धाम के महिमा को छोड़ के रूपानुगत्यता और जो धाम को कैसे रक्षा करें, ये बात को प्रभुपाद ने विशेष रूप में ध्यान दिया। उसी क्रम को हमारे परम गुरुदेव ने और हमारे गुरुदेव ने भी विशेष रूप में ये किया गया ना, इन्होंने इसी चीज को बड़े अच्छे तरह से दिखाया। अब बता रहे हैं धाम क्या चीज है। धाम वही है राजा भगवान का नाम। अब मान लो कृष्णगढ़ और राम जी के हो कि भगवत नाम को स्मरण करते हुए क्या होता है, अचानक उनके जो स्वरूप अपने हृदय में प्रकटित होता है। मान लो कृष्ण के स्वरूप, कृष्ण के हृदय में चिंता करोगे तो थोड़ी ना काली वाला, दुर्गा वाला, शिव जी त्रिशूल वाला, ऐसा तो स्वरूप छवि तो हृदय में नहीं आएगा, कैसे आएगा? कहीं पे बैठे हुए बंसी बजाते हुए, कहीं पे राधा जी के संग, कहीं पे यमुना जी के संग, ऐसे ऐसे स्वरूप क्या होगा अपने हृदय में, क्या होता है वो अंकित होता है। राम जी के स्वरूप को अगर सोच लो तो वहां पे धनुष, नृसिंह देव के स्वरूप को सोच लो तो वहां हिरण्यकश्यप को, नहीं तो प्रहलाद जी को गोद में बिठाए हुए। तो भगवत स्वरूप को जिस नाम में हम चिंता करते हैं उसी प्रकार का स्वरूप क्या होता है हमारे हृदय में, वो प्रकटित हो जाता है। अब गुरुदेव का तो विशेष देन है, तथा तो बहुत कुछ है, उसमें बता रहे हैं कि गुरुदेव केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को ही हमारे इम्पोर्टेंट दिया, द्वारिका और मथुरा वाले कृष्ण को इतना विशेष रूप में ध्यान नहीं देते, हम लोग केवल ब्रजेंद्र नंदन के ही कृष्ण को ही आदर सेवा करते हैं। अब यहाँ पे गुरुदेव ने जो कृष्ण के स्वरूप बताया, बरहा पीड़म नटवर बभु कर्णयो कर्णिकार, इस श्लोक में जिस प्रकार से जो जिस प्रकार से कृष्ण को नाम से चिंता करेगा उसी प्रकार से उसको क्या होगा ना, भगवान के स्वरूप उसके हृदय में प्रकटित होगा। अब नाम से रूप का प्रादुर्भाव होता है। अब जब रूप पता चल गया, फिर रूप से क्या होता है ना, उनके गुण क्या है। जैसे जिस समय के सुखदेव गोस्वामी जगत को शिक्षा देने के लिए ब्रह्मवाद में चले गए थे, निर्विकार निर्विशेष को ब्रह्म को मानते थे, उसी समय वेदव्यास जी ने उनके कुछ शिष्य को भेज के उनको पहले ये वाला श्लोक, ना बरहा पीड़म नटवर बभु श्लोक को बड़े अच्छे से वो गान करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने, ये तो बड़े सुंदर श्लोक है, लेकिन इसमें क्या है, वो केवल नाम और रूप के बारे में ही बताया है। चाहे नाम और रूप कितना भी सुंदर हो, अगर उसका गुण ठीक नहीं है तो उसको बेकार माना जाता है। ऊपर से कितना भी सुंदर हो, अंदर अगर कपटता हो तो उसके बाद जो किंबा दयालु शरण भजे में, कि पूतना जैसे जिसने आपको अपने स्तन में बीज देके जहर देके ठाकुर जी के मुख पे स्तनपान कराया, उसको भगवान किया गया ना, माता की गति दे दिया, ऐसे दयालु भगवान जगत में कहा है। तो ये बात को सुन के सुखदेव गोस्वामी भी उसमें क्या हुए ना, भागने लगे, कृष्ण स्वरूप को वास्तव में उनको पता चल गया। अब बता रहे नाम से रूप और रूप से गुण का प्रभाव होता है। अब नाम रूप और गुण को मिला के भगवान जिस तले पे लीला करते हैं उसी जगह को धाम बोलते हैं, क्योंकि लीला करने के लिए अपने स्वरूप को लेके उसी जगह में स्वयं ठाकुर जी क्या होते हैं ना, प्रकट हो जाते हैं। तो ये धाम को साधारण नहीं मानना चाहिए, ये धाम साक्षात रूप में भगवत स्वरूप है। हमारे एक आचार्य हैं श्रीमद भक्ति देसिक आचार्य गोस्वामी महाराज, गोपाल के पार्षद, और उनके एक शिष्य श्रीमद भक्ति देसिक गोकुलपुरी गोस्वामी महाराज, उनके नाम भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी, भक्ति प्रदीपपुरी गोस्वामी महाराज, किसी समय धाम में जब जाते थे, वृंदावन में रहे हर समय, तो जब परिक्रमा करते थे किसी जगह पे
ये क्या करते थे, कभी पत्ते कभी फल कभी फूल, तो बहुत सारी चीज ठाकुर जी की सेवा में संग्रह कर लेते थे। तो उनको एक ब्रह्मचारी ने पूछा कि महाराज जी कि ये जो पत्ते हैं, ये जो फूल है, ये जो फल है, यद्यपि जो जहर वाला फल को भी महाराज जी क्या करते हैं ठाकुर जी को मतलब देख दिखा देते हैं, अर्पण कर देते हैं, वो उसमें भी क्या भगवत स्वरूप को देखते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये वो जहर वाला फल है, आप इसको ठाकुर जी को भोग लगाने तो उसके बाद इसको क्या फेंक देते हो? तो महाराज जी बोले ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद ही हो गया, उसको मैं थोड़ा ना फेंक सकता हूँ। तो ये जो कांटा युक्त पुष्प है, ये जो पत्र है, ये सब ठाकुर जी को हृदय मुक्ति विलास में और ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि इसको ठाकुर जी को नहीं देना है, अब इसको आप ठाकुर जी को दे रहे। तो वो बोले कि ये जो वृंदावन है, ये मैं वृंदावन के जो धूल है उसको लिए ब्रह्मा और उद्धव जैसे महाभाग स्तुति करते हैं, लक्ष्मी आदि सब नारायण भी स्तुति करते हैं ब्रज के धूलि के लिए, ब्रज के एक वृक्ष होने के लिए उद्धव प्रार्थना करते हैं, अशामह चरण रेणु शामह से वृंदावन किमपि गुणमलदोषति न। तो उद्धव जैसे महाभागवत अगर छोटे से धूल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो बड़े बहुत बड़ा पत्ता हो गया, अरे ये बहुत बड़ा फल हो गया, इसमें मैं कैसे दोष देख सकता हूँ? तो इसी विचार से वो क्या करते थे ठाकुर जी को हमें हर रोज क्या करते भोग लगा देते थे और उसको ये क्या करते थे हमेशा ठाकुर जी के जो पत्ते को उसको भोग लगा उसी को पा जाते, उनमें प्रसाद ज्ञान था इसीलिए उनका कुछ नहीं होता था। अब हम लोग जहर को भोग लगाएंगे और जहर पीने की कोशिश करेंगे क्या होगा? हरी बोल हो जाएगा। तो प्रसाद को दिमाग धाम के जो स्वरूप के ऊपर पूर्ण विश्वास था। एक समय पूजे बाद भोजन महाराज बताते थे कि हम लोग तो नरेंद्र मोदी को बड़े अच्छे रूप में विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी के इतने मधुर मधुर विचार को श्रवण करके हमारा विश्वास ही नहीं होता। धाम में जो परिक्रमा करते हैं, हाँ शायद गोवा होगा, इस जगह में कृष्ण का चरण चिन्ह है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ हुआ होगा, तो बड़े कम रूप में हमारा विश्वास होता है। क्यों क्यों होता है? नरेंद्र मोदी हो, कोई मुकेश अंबानी हो, कोई बड़े अमीर लोग हो, उसको तो बड़े अच्छे से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी को मधुर लीला को श्रवण करके उसको हमारे विश्वास नहीं होता। इसका कारण है हमें ठाकुर जी के प्रति कम लगाव है। ठाकुर जी के प्रति जब पूर्ण रूप में हम आविष्ट हो जाएंगे, जब गुरु ठाकुर जी के जब लीला कथा को श्रवण करके उसमें जब रति हो जाएगा, उसमें जब प्रवेश हो जाएगा, तभी जाके क्या होगा ना, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में उसी लीला को उनके कथा को पूर्ण रूप में आस्वादन कर पाएंगे, वरना बस कथा ही होता जाएगा और ऊपर से बाउंस करता जाएगा। अब बोल रहे हैं कि ठाकुर जी को ये लीला रस को आस्वादन हम कैसे करें? बोल रहे हैं कि इसका एक ही उपाय है, गुरु वैष्णव का सेवा और हरिनाम। बिना सेवा से कोई भी चीज प्राप्त नहीं होता। जिन्होंने जितना मात्रा में सेवा किए हैं, उन्होंने उनके हृदय में उतना मात्रा में क्या होता है, शास्त्र प्रवेश करता है। स्वयं भगवान ने शास्त्र के प्रमाण है कि नायमात्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहु न श्रुते न, बहुत सारे श्रवण से, बहुत सारे सुन लेने से, बहुत सारे विद्वान होने से, पंडित हो जाने से वो वास्तविक चीज को जान नहीं पाते। ऐसे तो हम हमारे पुरी में देखते हैं, जो सदाशिव यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर हर रोज आप देखते हैं, हर रोज आता है तो मास्टर और भी एक आते हैं संस्कृत में, वो पीएचडी किया हुआ है, पर किस चीज का पीएचडी? बोले भागवत का पीएचडी। अच्छा भागवत का पीएचडी है। तो हमने पूछा कि भागवत में क्या चीज उपलब्ध हुआ? तो बोलते हैं भागवत में क्या है, वही कृष्ण का थोड़ा थोड़ा लीला है। बोले आपका आराध्य कौन है? बोले हम तो माँ दुर्गा का पूजा करते हैं। अब भागवत जी पूरा पढ़ लिया उसको ये पता नहीं कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो उसमें पीएचडी करने का क्या फायदा है? ज्ञान से भागवत को थोड़ा जाना जा सकता है। सीधा हम लोग तो देखे हैं, हमारे मठ में आता है रोज, वो एक कीर्तन गाता है जो शाम में आता है, तो संडे को संडे नहीं आता है। मैंने पूछा प्रभु संडे को क्यों नहीं आता? हाँ प्रभु संडे को हमारे बच्चे लोग हैं, ठुकर मछली ले आते हैं। तो पूरा पूरा पांच दिन के छह दिन आता है, लेकिन संडे को संडे नहीं आते, पर संडे को तो ब्रेक है। अब उसका क्या फायदा हो? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शास्त्र जो चीज है, प्रभुपाद ने बताया कि शास्त्र स्वयं प्रकाशित है, इसको जोर जबरदस्ती में लगाओ तो वो ज्ञान ही रहेगा, विज्ञान नहीं होगा, अनुभव कभी नहीं हो सकता।
ये ज्ञान अनुभव होने वाला चीज है, ये विज्ञान वाला चीज है। इसलिए कृष्ण संबंध विज्ञान दायी प्रभु में जो प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र है कि कृष्ण संबंध हमको विज्ञान चाहिए, कृष्ण संबंध हमको अनुभव चाहिए, बस ज्ञान और बस कसरत की सेवा प्रभुपाद बताते थे कि जैसे मजदूर लोग करते हैं, क्या करते हैं कि बाहर का जैसे सेवा करते हैं, बहुत सारी सेवा कर लेते हैं, तो हम भी तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो सेवा वो कर्म है और हमारे जो सेवा उसमें सेवा में, क्योंकि उनको ज्ञान वाला सेवा हम किस चीज के लिए करते हैं कि हमको कभी ना कभी गुरु वैष्णव के अनुपत्य में हमको विज्ञान उसी अनुभूति प्राप्त हो, और अनुभूति ही नहीं होगा बस थ्योरी में रह जाएंगे और प्रैक्टिकल कुछ पता ही नहीं है, तब क्या कुछ उसमें कुछ फायदा ही नहीं है। इसलिए जो शास्त्र है उसको ये क्या करते हैं ना गुरु वैष्णव, जो शास्त्र में बताया कि जस्य देवे परा होते तथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथित हि अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन, गुरु वैष्णव उसको प्रकाश करते हैं। अब पहले ही उस दिन भी मैंने बताया था कि गुरु वैष्णव क्या है, ना कपटी पावन नहीं है, ये पतित पावन है, ये इनका काम क्या है ना जगत जीव वासी को उद्धार करना ही इनका काम। अब ये क्या नहीं चाहते कि इनके सारे के सारे शिष्य में कोई शास्त्र प्रकाशित हो जाए, और गुरुदेव और कोई जो शरीर तो नहीं है, गुरुदेव एक आत्म तत्व है, गुरुदेव कोई हार मांस वाला शरीर नहीं है, गुरुदेव एक गुरु तत्व है। अब इस गुरु तत्व में इतना तो सामर्थ्य होता है कि शास्त्र के शिष्य के जितने भी हृदय में अपने जो शास्त्र को उसके हृदय में प्रकाशित कर दे, उनका तो सामर्थ्य है। अब होता नहीं कैसे, इसमें बता रहे हैं एक चीज से होता है, क्यों, जिसका हृदय जितना कठोर होगा उसी के हृदय में शास्त्र इतना प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, सरलता होने पड़ेगा, सरलता से निष्कपट भाव और शरणागति से गुरु वैष्णव का सेवा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि तस्य गति प्रकाशन से महात्मन, कि प्रकाश तो कर देते हैं गुरु वैष्णव, प्रकाश कर देते हैं लेकिन शिष्य ग्रहण नहीं कर पाता। जैसे उदाहरण देते हैं, बारिश तो हर जगह होता है लेकिन जो पत्थर के ऊपर और जो उर्वर मिट्टी के ऊपर, अब पत्थर के ऊपर आप बीज बो दो और उर्वर मिट्टी के ऊपर आप बीज बो दो, किसमें ज्यादा बारिश होगा, किसमें ज्यादा खेती हो सकता है, पत्थर के ऊपर खेती हो सकता है। तो जिसका हृदय जितना पत्थर के जैसा कठोर है उसको क्या करना पड़ेगा ना, उसको गुरुदेव क्या करते हैं, खुद गुरुदेव ही कृपा करते हैं। अब गुरुदेव कौन सा तत्व है, बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु तत्व, स्वयं बलदेव प्रभु, स्वयं नित्यानंद प्रभु ही ये गुरु तत्व है। अब इनका जो आयु क्या है, बलदेव प्रभु का आयु यहाँ तो हाथ रखी हुई हल और मुसल, और हल और मुसल किस चीज में काम आता है, बोले खेती करने। अब बलदेव प्रभु ने ये खेती करने वाले खेती कहाँ से की, हल और मुसल को धारण करके रखे हैं, बोल रहे हैं बलदेव प्रभु खेती कर, बोले कैसे, जैसे एक किसान पहले क्या करता है, हल से उसको जमीन को खेती कर लेता है, जो कठिन जो क्या होता है कठिन जो मिट्टी रहता है उसको हल कर लेता है, हल से जोतता है, तो उसके बाद क्या होता है वो उर्वर हो जाता है या सख्त हो जाता है, नरम हो जाता है। उसके बाद भी जो ढेला रह जाता है वो ढेला को उसको क्या करता है, मुसल से पीट पीट के उसको पूरा समान कर देता है। उसी प्रकार गुरुदेव क्या करते हैं, शिष्य रूपी जो हृदय में, जो शिष्य के हृदय में जितना कठोरता है उतना कठोरता को उसको क्या करते हैं, उसको हृदय को खेती कर लेते हैं अपने हल के द्वारा, वाणी रूपे हल के द्वारा, कथा रूपे हल के द्वारा, शिक्षा रूपे हल के द्वारा शासन करते हैं, दंड देते हैं गुरुदेव उसको, दंड देके उसको क्या करते हैं पहले खेती कर लेते हैं। अब उसके बाद ये तो शरणागति में आ गया, लेकिन उसको शास्त्र सिद्धांत जानते जानते उसको क्या हुआ, संदेह तो जरूर होगा, क्योंकि जिसके हृदय में अगर कोशिश नहीं होता इसका मतलब मानो कि वो कोई सुनता ही नहीं, कुछ ना कुछ तो उसको डाउट होगा कि हाँ ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। तो जब संदेह होगा गुरुदेव क्या करते हैं, उसको सिद्धांत विचार देके उसको अपने मुसल रूपी सिद्धांत विचार में उसको खंडन करते हैं, पूरा मार मार के पूरा शिष्य के हृदय को साफ कर देते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो पहला माधुरी जी कादंबरी में वही बात को बता रहे थे पृथ्वी के श्लोक में कि कैसे शिष्य के, मतलब वहां पर पूरा विस्तृत रूप में बताया गया है कि शिष्य को पहले रूप में कैसे गुरुदेव की सेवा करना चाहिए, कैसे हम गुरु वैष्णव के चरण में निष्कपट भाव में सेवा कर सके। तो ये तो बहुत बड़े बड़े विस्तृत बात है, वास्तविक जो प्रभुपाद का विचार है
उसी विचार और प्रभुपाद के जिस चीज को हमको दिखला है, प्रभुपाद का वास्तविक सिद्धांत को हम विशेष रूप में और गुरुवर्ग के अनुगत्य में हम ब्रजमंडल का परिक्रमा की। और शायद ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि अनन्य मठ में भी सब हर साल होता है, इस साल तो हुआ नहीं, लेकिन गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ये रुका नहीं, परिक्रमा हो गया। और हम लोग बड़े अच्छे से रूप में धाम का परिक्रमा भी की, गुरु वैष्णव का अनुगत में उस जगह का लीला स्थल में बड़े अच्छे रूप से दर्शन की, वहां पे कथा कीर्तन श्रवण की। और ये तो कभी जो जिस लोगों ने, एक भक्त वहां पर मुझे पूछ रहे थे कि प्रभु जी हम तो परिक्रमा तो कर लेते हैं लेकिन हम हमारे बस तो पीछे रह जाते, तो हम जब पीछे पहुंचते हैं तो क्या हम तो कथा श्रवण ही नहीं कर पाते, तो हमको क्या। और गुरुदेव बताते हैं कि परिक्रमा का फल क्या होता है, ना कथा श्रवण से होता है, धाम का जो वास्तविक दर्शन वो आंख से नहीं कान से होना चाहिए, प्रभुपाद के विचार है और गुरुवर्गों का ही विचार है। तो उन्होंने पूछ रहे थे कि प्रभु जी हम क्या कथा तो हम श्रवण कर नहीं पाते लेकिन परिक्रमा का फल क्या हमको मिलता है। बोले हाँ अवश्य मिले, क्योंकि ये जो भक्ति जगत है इसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। नेहा भी प्रमुना सोचते कि यह भक्ति योग में क्या कुछ कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाता, इस चीज में किसी का भी दोष नहीं होता। स्वर्गम अभी अस्य धर्मस्य अस्य धर्मस्य स्वर्गम अभी, कि इसी चीज को अगर थोड़ी सी भी कोई चालन कर ले उसको त्रायते महतो भया, कि इस जो संसार से उसको उद्धार होने का रास्ता मिल जाता है। तो इसी प्रकार हम गुरु वैष्णव के अनुगत में परिक्रमा किए और ये हर साल होते रहे और हम पर विशेष रूप में धाम की कृपा हो, कभी हम गुरु वैष्णव के सेवा कर पाए। अब ये तो बस ज्ञान ही है, गुरु वैष्णव के चरण में हम प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि ये कभी विज्ञान हो, कभी इस प्रकार का अनुभूति हो ये दास को, कि इसी भाव में हम सेवा कर पाए। वांछा कर टाइम नहीं हो गया, बोल दो 7:30 बजे खत्म करेंगे, 5-10 मिनट बोल दो, वो भी 5-10 मिनट। हाँ बोल, तुम सब बोल दो, उसके बाद में चलेंगे। कितने बजे चलेंगे प्रभु जी? पहले हम जाके देखेंगे, फिर मैं मिल जाऊँगा, पहले हम जाके देखेंगे क्या प्रोग्राम। हेलो बोलो बोलो कि वो लोग कितना बजे बोल रहे थे? 8:30 बजे तो कुछ भी नहीं, फोन कर सकते हो, फोन कर देना क्या है। मैं ले जाऊंगा, पता नहीं चल जाएगा, मैं ले जाऊंगा मैं इधर से वही रहूंगा। हाँ बोलो। ओम ज्ञानतिमिरा हस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो नासः पुरुषस्य तस्य सत्यो हृदय वशीकरण चूर्णमनं तसत्यं तं राधिका चरणरेण मनुष्मरामि। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने पूज्य पाद सद्गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणिपात करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो, और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव आपको सब यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुदेव के आदेशानुसार श्री भगवान चरित्रों को कहने और श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, और उनके आदेशानुसार मैं कुछ हरि कथा कहने का प्रयास करूं। देखिए श्रीमन महाप्रभु जब श्री सनातन गोस्वामी गोस्वामी जी को शिक्षा प्रदान करते हैं उसको सनातन शिक्षा कहते हैं। तो सनातन शिक्षा में श्रीमन महाप्रभु कहते हैं उस सनातन गोस्वामी को, जी मेरा दया वैष्णव सेवा हेते अधिक धर्म नाही, सुनो सनातन नाम में रुचि। प्रत्येक जीव जो है नाम में, यदि उसकी रुचि है, नाम में रुचि होना बहुत मुश्किल बात है,
बहुत ज्यादा कठिन बात है। हम लोग कहते तो हैं कि नाम करो नाम करो नाम करो, लेकिन नाम में रुचि बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। सब बड़े बड़े वैष्णव जो हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो क्या भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं? वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, सीधा ये नहीं कि हमें गुरु ट्रांसफर कर दीजिए, हमें भगवान का धाम नहीं, प्रभु हमारी नाम में रुचि हो जाए, प्रभु हमारी आपके नाम में रुचि हो जाए। जितने भी अभी गौर, अभी जो ब्रजमंडल परिक्रमा हुई, मेरे साथ जो प्रभु जी चल रहे थे, और भी बहुत सारे जो वैष्णव हैं, उन सब सभी एक दूसरे जो बड़े संत और वैष्णवों के चरणों में बड़ी बात करते हैं, तो उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के जब सर के ऊपर विराजमान करते हैं, तो ये कहते हैं बस प्रभु जी इतनी कृपा कर दीजिए कि हमारी नाम में रुचि हो जाए। नामे रुचि, नाम में बड़ी मुश्किल से रुचि होती है। नाम का अत्यंत महाप्रभाव है, नाम महिमा तो आप सब जानते ही हैं। श्री कृष्ण को भी देखिए, श्रीमद् भागवत जी में जब पूतना प्रसंग आता है, तब भगवान को भी जो सुरक्षा प्रदान करता है, भगवान को भी जब पूतना के स्पर्श से सारी गोपियों को चिंता हुई कि लाला को कहीं ऐसी नजर ना लग गई हो, लाला का कुछ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने गौशाला में ले जाकर के श्री भगवान को गाय की पूंछ से जब श्री भगवान के नाम से ही झाड़ा दिया, तब जाकर के उनको संतुष्टि हुई। ये भगवान का नाम ही प्रभु की रक्षा करता है। अव्या अजम हि मणिमा स्तव जन्म जोरु यज्ञोचितं कटिजटं जठरं हयस्य यतकेश वस्तु दुरीश इनस्तु कंठं विष्णुर्मुखं मर्मरुक्रमेश्वरक्रम भगवान श्री माधव हमारे बच्चे के उदर की रक्षा करे, हलधर भगवान हमारे बच्चे की घोंटू की रक्षा करे, ये सारे के सारे नारायण हमारे बच्चे के माथे की रक्षा करे, ये सब जो श्री भगवान के नाम हैं, वो सारे के सारे नाम लेकर के ही श्री भगवान को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। इसीलिए नामे रुचि, नाम अत्यंत श्री भगवान में और श्री भगवान की लीला में, श्री भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। ये न कृष्णा ये न सेन कृष्णेर नाम, जो कृष्ण है वही कृष्ण का नाम है। अच्छा, ये जो नाम है इसकी एक पद्धति भी बताई है श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में। एक कृष्ण का नाम जो है वो समस्त पापों, व्यक्ति इतने व्यक्ति में पाप करने की इतनी क्षमता नहीं है, इतना वो पाप कर नहीं सकता जितना नाम महाराज उसके पापों को दमन करने की क्षमता रखते हैं। एक कृष्ण नाम जिमेरो जो तो पाप हो रे, जिमेरो साध्य नहीं तो पाप को रीते पारे, पर यीन कृष्ण नाम जिविरो लय बहु बार, तो थापि यदि ना बोहे अश्रुधार, ता होइला जानी बे अपराध साक्षय प्रचुर, कृष्ण नाम बीज मात्र नाम होय अंकुर। एक कृष्ण नाम जीव के समस्त पापों को भस्म कर सकता है, पर बशर्ते वह शुद्ध नाम हो। शुद्ध नाम कैसे लिया जाएगा? वो केवल और केवल नाम के जब नाम जपते 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 श्री भगवान का नाम लेते 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 जब अभ्यास पूर्ण हो जाएंगे, फिर वैष्णव और गुरु की कृपा प्राप्त होगी, सेवा से हृदय साफ होगा, तब दया की भावना जब प्रस्तुत होगी। तीसरा सूत्र ये है जिमेरा दया, दूसरा जो है बताया कि धर्म क्या है, नामे रुचि जिमेरा दया वैष्णव सेवा। जीव प्रत्येक जीव पर जब दया करने की इच्छा प्रस्तुत हो जाएगी, तब जाकर के शुद्ध नाम प्रस्तुत होगा। दया परमा आवश्यक है, इसीलिए समस्त जीवों पे दया, दया धर्म को मूल है। गोस्वामी तुलसीदास जी, दया धर्म को मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। कुछ भी कितने ही बड़े वैष्णव, कितने ही बड़े हम लोग, कितने ही बड़े नाम जापक हो, कितने ही बड़े कुछ हो, पर सरल हृदय नहीं होगा और दया नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। कितने ही बड़े मठ के मठाधिपति बनकर के और बैठ जाओ, कितने ही बड़े आश्रमों के आश्रम के पीठ के पीठाधिपति बनकर के बैठ जाओ, परंतु हृदय में दया नहीं है और सरल हृदय नहीं है ना,
एक नजर जब कपट की ओर रहती है तो श्री कृष्ण अपनी दोनों नजर फेर लेते हैं। यही संतों का कहना है। नामी रुचि जीविर दया, प्रत्येक जीव पर दया। श्री गुरुदेव क्या कर रहे हैं, हम सब लोग क्या है, जीव है ना, जीविर स्वरूप है नित्यदास, हम सब जीव हैं। श्री गुरुदेव क्या कर रहे हैं, हम पर दया ही तो कर रहे हैं। दया क्या स्वर, दया को स्वरूप भिन्न भिन्न सब स्थाने जानी। अलग अलग दया का स्वरूप अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। हम सब पर कृपा और दया ही तो कर रहे हैं, अपने मुख से श्री भगवान का नाम दे करके और श्री भगवान की कथा सुना करके। हमारे गुरुदेव कहते थे करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल्स खोल दो, करोड़ों करोड़ों वृद्धाश्रम खोल दो महाराज, बड़े बड़े स्कूल्स खोल दो, बड़े बड़े कॉलेजेस खोल दो, अनेकों अनेकों तुम सारे धर्म कर लो, परंतु सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा जो दान है, सबसे बड़ा उपाख्यान है, सबसे बड़ा जो दान है वह है भगवान की हरि कथा का दान। परसों एक श्री गुरुदेव बता रहे थे, परसों ही हरि कथा को दे दिया, दया कर दियो, प्रत्येक जीव पर दया। भगवान किस कारण से, हमारे हम लोग जो है कितने कितने कोटि कोटि अनंत अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, भटकते हुए जीवों को श्री कृष्ण नाम देकर के उनके उनके जो उनका जो मेन स्थान है, उनका प्रमुख स्थान है, वहां तक ले जाने का जो रास्ता बता दे, वो दया ही तो कर रहे हैं। तो गुरुदेव दया, इसलिए जीविर दया। तीसरा है वैष्णव सेवा, प्रत्येक वैष्णवों की सेवा। सारा का सारा, सब कुछ, सारा एंड एंड टोटल इसी पर ही नियुक्त है, वैष्णव सेवा। वैष्णव, प्रत्येक वैष्णव, हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी श्री हमारे जो भक्ति विदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी हुए हैं, कितनी वैष्णवों की सेवा करी। जब प्रसाद पाने सारे वैष्णव बैठते थे तो सबसे पहले अपने आप पत्तल को धो करके, हम लोग तो बैठते हैं जब परोसाई करते हैं प्रसाद का, जब वितरण करते हैं तो ग्लास में पानी पकड़ाते कि जिन लो और तुम ही पानी से जो है इसका मार्जन कर लो। लेकिन क्या करते थे वामन गोस्वामी महाराज जी, स्वयं ही पत्तल लगाते और जल दे करके उसको पत्तल को पहले साफ करते, फिर उसके बाद नींबू और नमक को तैयार करके पहले ही रख देते थे। बाद में तो जो आ रहे हैं भगवान का प्रसाद अलग अलग, वो तो है ही। तो प्रत्येक वैष्णव, वैष्णव सेवा, एते अधिक धर्म नहीं, इससे अधिक कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। सुनो सनातन, सनातन शिक्षा में यही कह रहे हैं, इससे बड़ा धर्म नहीं है। भगवान के नाम के अन्यान्य प्रकार, भगवान के नाम के आश्रित होना ही। और हमारा, हम लोग पूछते हैं कि हमारा धर्म क्या है, भैया तुम्हारा धर्म, प्रहलाद जी कहते हैं अगर कोटि कोटि स्वधर्म का, अगर हमने स्वधर्म का पालन कर लिया तो भी उच्चतम जो प्राप्ति है वह नहीं होगी। लेकिन धर्म क्या है, श्री भगवान के नाम में यदि रुचि हो जाए, भगवान के नाम में हमारा पूरा का पूरा पूरा सरेंडर हो जाए, वही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं है भगवान के नाम, क्योंकि श्री भगवान का नाम ही रक्षा। प्रहलाद जी के अपने चरित्र से ही बताते हैं कि मैं स्वयं श्री भगवान के नामाश्रय हूं, इस कारण से वो किसी से भयभीत नहीं होते। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बता भैया क्या सब सार क्या है, तुमने जो सीखा है अपने गुरु से पता क्या है सार, तो उसने एक ही कहा कि श्री हरि गुरुधार। श्री भगवान की नवदा भक्ति का उपदेश करके क्या कहा कि केवल ये नवदा भक्ति ही जो है ये प्रत्येक सारे के सारे शास्त्रों का सार है। हिरण्यकश्यप डर गया, हिरण्यकश्यप ने डरा दिया, गुस्सा हो गया। हिरण्यकश्यप ने कहा सारे सैनिकों को, शन्नामर्क को कहा कि अरे कौन, किसने ये सब सिखा दिया इसको, कौन सिखाए गयो यही बातें बेकाम की, साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई कृष्ण नाम की, साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई कृष्ण नाम की। प्रहलाद जी ने नामाश्रय लेकर के विष्णु विष्णु पादोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पादोदर सत श्री
श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग रोज शाम को श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनेंगे और जो सवेरे हैं ये बच्चों को हम कोशिश करेंगे ये लोग ये श्रीमद् भागवत कथा ये लोग सीखे, इसलिए सवेरे इनको हाँ भागवत कथा ही बच्चों को भागवत कथा पढ़ाएंगे, भागवत सिखाएंगे और शाम को श्री महाप्रभु की कथा सुनेंगे। ठीक है। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। हाँ देखो ये अनंत संहिता की कथा है। बोले एक समय श्री शंकर जी को माता पार्वती प्रश्न कर रही है, बोले प्रभु जी आप ये बताओ जैसे शंकर जी दिन भर क्या करते हैं। बोले पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में हर समय भगवान के नाम जप करते हैं और जितने पुराण आप सुनोगे जैसे 18 पुराण हैं, इसको वक्ता कौन है? श्री शंकर जी। श्रोता कौन है? ये माता पार्वती। इसलिए जितने सारे शास्त्र हैं ये श्रीमद् भागवत कौन किसको पहले सुनाया? ये शंकर जी ने माता पार्वती को अमरनाथ में उन्होंने ये अमर कथा सुनाए, इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा। इसलिए सारे शास्त्र का जो मूल वक्ता श्री भोले बाबा हैं, हैं? इसलिए श्री शंकर जी को माता पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु आपका मुंह से तो मैंने भगवान के बहुत सारे नाम सुना है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर कीर्तन लिखते हैं, कहते हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, जसो दनंदन आनंद वर्धन, नंद तनय रस को हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप। भगवान के अनंत नाम है कृष्ण गोविंद। पूरा ये कीर्तन में कृष्ण की कितने नाम भक्ति विनोद ठाकुर बताए। हम जो गाते हैं ना जसोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन, भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। जो मध्यान्ह भोगार्ति में जय जसोमती नंदन ब्रजवर इसको गाते हैं और वैसे क्या गाते हैं, राधा माधव जय कुंज बिहारी इसको। फिर सवेरे मंगलार्ति में क्या गाते हैं, विभा वरिशेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो हरी हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण है अग्रीव। उसमें कितने भगवान का पूरा नृसिंह वामन श्रीमद सुदन सब भगवान के नाम 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 उसमें दिया है। इसलिए यहाँ पर कहते भगवान की तो अनंत नाम आपके मुंह से हमने सुनी, पार्वती कहती है, लेकिन आप कभी कभी भी श्री गौर हरी सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु कभी कभी ये नाम को भी मैंने देखा ऊर्ध मुख करके मुंह ऊपर करते हुए कभी कभी ये नाम भी कभी कभी करते हो। इसलिए प्रभु ये गौर हरि कौन है, ये गौरांग कौन है, कभी कभी ये नाम भी करते हो, कभी कभी ये नई नई नाम को सुनने को मिलता है, ये कौन है? बस इतना सुनते ही शंकर जी प्रेम में गदगद हो गए हैं, क्योंकि आप जिसका नाम बोलो ना कह रहे ना जिसके नाम लेते उनका रूप अपने आप आ जाता है, हैं अपने आप आ जाता है, हैं। इसलिए जैसे हम बोले प्रेमचंद प्रभु, नाम लेते ही क्या आता है उनका रूप अपने आप, प्रेमचंद प्रभु ऐसे है, हैं। इसलिए नाम लेते ही रूप अपने आप आ जाता है। जब उन्होंने गौर हरि चैतन्य निमाई नाम बोले इतने में शंकर जी के हृदय में तो पूरा श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे हैं लीला जैसे सीरियल में देखते हैं पूरा लीला उनका हृदय में प्रकट हो गया। शंकर जी इतने गदगद हो गए प्रेम में खुश हो गए और उनने पार्वती को उन्होंने आलिंगन किया। बोले पार्वती इसलिए तुमने इतने बढ़िया प्रश्न की है, तुम है कौन? बोले राधा रानी ही। कहते उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी
राधा अवतार सब आमने बानी। ये जितने उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी दुर्गा देवी कौन है, ये राधा रानी की, ये प्रकाश राधा रानी के अवतार है। जैसे कृष्ण के अवतार मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह कृष्ण अवतार है, हैं? उसी तरह राधा रानी के अवतार ये जितने सब शक्ति श्री कीश्वरी जी से प्रकट हुए हैं। इसलिए जब हम श्री राधा रानी की उपासना कर लेते हैं ना, सबकी उपासना हो जाता है, अलग रूप में ये देवी वो देवी वो देवी पूजा करने का जरूरत नहीं। क्यों? राधा रानी की सही सब कुछ प्रकाशित होते हैं। इसलिए उन्होंने बोले, इसलिए तुमने इतने सुंदर प्रश्न की, उनको शंकर जी पार्वती को आलिंगन किए। फिर श्री महाप्रभु की कथा सुनाते हैं, बोले उनका एक नाम गौर हरि। बोले गौर हरि नाम क्यों पड़ा? गौर मतलब वो गोरी, हरि मतलब हरि, हैं? हरि गोरी और गोरी कौन है? श्री राधा रानी। कहते ये दोनों मिल करके उनका जो एक रूप है ये श्री सचिनंदन गौर हरि। जो अंत कृष्ण, अंदर में तो कृष्ण है लेकिन ऊपर में श्री राधा रानी की अंग कांति है। उन्होंने राधा रानी अंग कांति क्यों लिया, कारण किया? बोले कारण है, जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में गए, एक दिन कृष्ण निकुंज में बैठे बैठ करके सोच रहे हैं, मैंने सारे रस को मैंने आस्वादन किया, भगवान होकर के सखाओं को झूठन खाया, भगवान होकर के मैया ने मेरे को उखल में बांध दी, भगवान होकर के गोपियों को चरण में गिर करके श्री किशोर जी के चरण में गिर करके प्रेम की भीख भी मांगी, सब चीज तो मैंने आस्वादन की, लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है ये कितने महान हैं, राधा रानी मेरे प्रेम को कैसे आस्वादन करती हैं, ये चीज मैंने नहीं समझ पाई। इसलिए उन्होंने वह चीज को आस्वादन करने के लिए बोले, जब तक मैं दो चीज राधा रानी से उधार नहीं लेता हूँ मैं उसको आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। क्या है? एक तो उनकी अंग कांति और दूसरा उनकी भाव। इसलिए राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर कृष्ण कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए मानो राधा रानी कृष्ण को ऐसे आलिंगन करके रखे। बोले क्यों आलिंगन करके रखे, कारण क्या? बोले कृष्ण क्यों जा रहे हैं? बोले मेरे भाव का आस्वादन करने के लिए। मैं जैसे कृष्ण नाम को लेकर के पछाड़ खा कर गिरती हूँ, जब वो कभी पछाड़ खा कर गिरेंगे, कृष्ण का शरीर कितना कोमल है, मक्खन से भी कोमल ठाकुर जी का शरीर है, तो उनको कितना कष्ट लगेगा। अगर मैं उनको आलिंगन करके रखूंगी ना, जब वो गिरेंगे किसको ऊपर वो सब कष्ट किसको ऊपर आएगा, मेरे ऊपर में आएगा, हैं? कृष्ण को मेरे प्रियतम को कष्ट नहीं होगा। इसलिए राधा रानी उनको ऐसे आलिंगन कर रखे। इसलिए शंकर जी कहते हैं ये गौर हरि, राधा रानी और हरि मिल करके ये एक रूप श्री गौर हरि रूप में आए, इसलिए इनका नाम गौर हरि। एक नाम इनका चैतन्य। बोले इनका नाम चैतन्य नाम क्यों पड़ा? बोले कारण है, सृष्टि से पहले वो एक चेतनता पूर्वक, एक चेतनता पूर्वक वही थे। जब उन्हें दो हुए, राधा और कृष्ण दो रूप में हुए, जब एक रूप में वो थे, वो एक रूप में कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जब दो हुए, राधा और श्री कृष्ण रूप में हुए, इसलिए इनका एक नाम भी श्री चैतन्य महाप्रभु इनके नाम पड़ा। जब उन्होंने महाप्रभु को, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी कथा बताई, अनंत संहिता की कथा है, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने कथा बताई। जब अच्छी अच्छी कथा उन्होंने बताई महाप्रभु की प्यारी प्यारी, उनका अलग अलग नाम किसलिए पड़ा? एक नाम श्री कृष्ण चैतन्य नाम पड़ा। कृष्ण चैतन्य नाम क्यों पड़ा? चैतन्य मतलब चेतनता देना। कृष्ण जगत में जिन्होंने संन्यास जब महाप्रभु लिए, तो उनको गुरु जी ने इनका नाम देगा श्री कृष्ण चैतन्य, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड में जिन्होंने कृष्ण रूपी चेतनता को विश्व ब्रह्मांड को प्रदान की, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य। उनका एक नाम विश्वम्भर है। बोले विश्वम्भर किसी ने नाम रखा? श्री नीलाभर चक्रवर्ती। जब उनकी नामकरण हुई तो उनका नाम क्या रखा? विश्वम्भर। विश्वम्भर नाम क्यों हुआ? जिन्होंने जन्म होते ही, भगवान जन्म हुए ना, जैसे जगत में साधारण कोई मंत्री आए उसके लिए कितना सजावट होती है, और साक्षात विश्व का पालन हर आ रहे हैं, इसलिए महाप्रभु जब जन्म हुए पूरा ये पृथ्वी प्रसन्न होकर के, जैसे पति को सामने जैसे पत्नी दुल्हनी बन करके सज धज करके जाती हैं, कहते तो उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये पृथ्वी हर वृक्ष में फल फूल से
एकदम लद गया पूरा, शस्य खेती हरा भरा हो गया। इसलिए नीलांबरी चक्रवर्ती ने बताया, ये बच्चा आते ही ये पृथ्वी एकदम हरे भरे हो गए, विश्व को उन्होंने भरण पोषण किया है, इसलिए इनका नाम विश्वंभर। बोले दूसरा अर्थ है, जिन्होंने पृथ्वी को भक्ति रूपी प्रेम को द्वारा जिन्होंने ये पृथ्वी को भरण पोषण करेंगे उनका नाम क्या होगा, विश्वंभर उनका नाम होगा। इसलिए शंकर जी अलग अलग नाम इनका क्यों हुई है, शंकर जी ये बात पार्वती को ये सारे बात बताते हैं। जब उन्होंने ये बात को बताए इतने में बोले वो जन्म कहाँ पर हुए, बोले श्री नवद्वीप धाम में, इनका जन्म नवद्वीप धाम में हुए। वहां पर शंकर जी कितना श्लोक नवद्वीप धाम को बताया हैं, इसलिए कैसे श्री कलयुग में कैसे महाप्रभु श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आएंगे, है ना, इस जगत में पता नहीं कितने कितने भगवान अभी आ रहे हैं, राम रहीम भगवान, आसाराम भगवान, और कौन कौन भगवान है जगत में, हाँ वो तो उड़ीसा में हो गए, इस तरह में कितने भगवान हैं, नित्यानंद सतपाल भगवान, पता नहीं कितने भगवान भगवान, हाँ देखो, हाँ ये चीज को सुनो तुम लोग अच्छे तरह से समझ कर रखो। जैसे इसी जगत में देखना, अगर मोदी को ये बड़ौते में आना है, मोदी ऐसे आ जाएगा, ऐसे मोदी आ जाएगा, नहीं आएगा। मोदी आने से पहले पता नहीं कितना दिन पहले पता चल जाता है मोदी यहाँ आ रहा है, और ऐसे आ जाएगा, वो आने से पहले पता नहीं रोड एकदम बढ़िया एकदम चकाचक रोड को बढ़िया बना देते हैं, उसके लिए स्टेज बनाते हैं, उसके लिए तैयारी होता है, कितने पुलिस ऑफिसर मंत्री, वो आने से पहले आप देखना क्या क्या व्यवस्था होता है। देखो एक साधारण मोदी आने के लिए उसके लिए कितने तैयारी होते हैं, कहते उसी तरह पहले अनाउंसमेंट हो जाता है, हाँ न्यूज पेपर में भी आ जाता है मोदी अमुक समय पर अमुक जगह पर फ्लाइट में यहीं पर उतरेगा, नहीं तो हेलीकॉप्टर पर यहाँ पर उतरेगा, सब बोल देते हैं ना, पता चल जाता है। कहते उसी तरह जब वो गोलोक वृंदावन से कोई भगवान आएंगे, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, ऐसे नहीं आ जाते हैं, सारे शास्त्र में पहले बता देते हैं। इसलिए से चैतन्य महा अभी कलयुग कल की अवतार नहीं हुआ है, लेकिन भागवत में कल की अवतार का नाम आता है, हैं बोले संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु जस कल की प्रादुर्भविष्यति, ये भागवत का श्लोक है। कहाँ पर जन्म लेंगे, बोले संभल ग्राम मुखस्य, एक संभलपुर ग्राम, अभी जहाँ पर बहुत ज्यादा मुसलमान वहां पर पता हुआ आपका, बोले संभलपुर ग्राम में भवने विष्णु जस, पिताजी का नाम विष्णु जस नाम होगा, कल की प्रादुर्भविष्यति, ये कल की अवतार वहीं पर होगा, ये पहले बोल दिया है, हैं? इसलिए जो बुद्धा अवतार हुए अंजना सुत, वहां पर भागवत में श्लोक है, अंजना का पुत्र बन करके वो बुद्ध देव अवतीर्ण हो गए, वो बोल दिया पहले। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हो गए भागवत में है, कौन कह रहे हैं, बोले गर्गाचार्य जब कृष्ण का नामकरण कर रहे थे, वो गर्गाचार्य खुद कह रहे हैं, बोले आसन वर्णास्त्र यस्य गृह्णत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीद इदानी कृष्ण ताम गति, गर्गाचार्य स्वयं कह रहे हैं तुम्हारे जो बेटा है ना ये युग युग में आता है, ये मत समझो इसी युग में कृष्ण रूप में बन करके आए, सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेता युग में रक्त वर्ण धारण करके, कलि युग में ये पीत वर्ण श्री महाप्रभु बन करके आएंगे। भागवत में 3-5-6 श्लोक भागवत में, जिस समय श्री नेमी नव जोगेंद्र संवाद में जब श्री नेमी महाराज कहते हैं कलयुग का अवतार कौन होंगे, उनका नाम क्या होगा और क्या करेंगे, ये श्लोक कहते हैं, कौन सा श्लोक है बोलो, कृष्ण वर्णम तिशाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम जग्ञई संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस। इसलिए कलयुग में जो बुद्धिमान होंगे किनको किसको भक्ति करेंगे, बोले कृष्ण वर्णम, कृष्ण ये जो दो अक्षर हर समय जिसका जिह्वा में कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव भाई, जिसके जिह्वा में हर समय कृष्ण नाम होगा, कहते उनका अंग कांति कैसे होगा, बोले अकृष्ण मतलब काले नहीं गोरे बन करके आएंगे, बोले क्या अकेले आएंगे, नहीं अकेले नहीं, बोले स्वपार सदस्यो धाम सहबतरी, धाम और परिकरों को लेकर के, कौन उनके अंग
नित्यानंद अद्वैत है, उनकी श्रीवासी भक्त और श्री गदाधर आदि उनकी शक्ति को साथ में ये कलियुग में इनका अस्त्र क्या होगा? बोले कलियुग में एवे अस्त्र ना धरिल, कलियुग में कोई अस्त्र नहीं होगा। जैसे त्रेता युग में था धनुष, द्वापर युग में था चक्र, लेकिन कलियुग में कौन सा अस्त्र है? ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग में यही अस्त्र होगा। ये अस्त्र को द्वारा क्या करेंगे? अस्त्र से काटते हैं ऊपर का, वो तो शत्रु का नाश कर दिए, लेकिन कलियुग में बड़े दयालु बन करके हमारा हृदय में जो बड़े बड़े दैत्य बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हरि नाम संकीर्तन के द्वारा चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा इसको नष्ट करेंगे। इसलिए शंकर जी सारी बात बताते हैं पार्वती को, ये अनंत संहिता में ये सारी बात शंकर जी बताते हैं। महाप्रभु कहाँ पर अवतीर्ण होंगे? बोले नवद्वीपे, वहां पर स्पष्ट आता है नवद्वीप में सच्ची माँ और श्री जगन्नाथ की पुत्र बन करके चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे। ये पहले इतने श्लोक विभिन्न पुराण में भी बहुत सारे श्लोक है, महाप्रभु कलियुग में महाप्रभु रूप में आएंगे। इसलिए ये कथा का आगे हम सुनेंगे। फिर पार्वती और क्या प्रश्न करती हैं, शंकर जी क्या उत्तर उसको देते हैं शंकर जी, फिर हम ये बात को कल सुनेंगे। इसलिए कल से हम महाप्रभु की कथा सुनेंगे, ठीक है? और जो सवेरे, हाँ टाइम कितना बजे, आरती के बाद में सुन लेंगे, ठीक है? और जल्दी चले सवेरे सवेरे, जैसे हम मंगल आरती के बाद में कथा होती है ना, जैसे हम बच्चे लोगों को जैसे सवेरे हम पूरी भागवत कथा को आप लोगों को सब नोट करवाएंगे, सवेरे सब भागवत कथा को नोट करना, ठीक है? और दूसरे दिन उसको बोलना, और होगा तो दिन में और थोड़ी समय बैठेंगे, बैठ करके सब तुम लोगों को कोशिश करेंगे भागवत सिखाने के लिए, ठीक है? बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल श्री दाम भैया की, उनको माइक दे दो और को भजन गा ल। अरे नहीं तुम्हारी, ठीक है मैं आज गाता हूँ, कल से तुम गा। हाँ हाँ सवेरे कितना बजे होता है मंगल आरती के बाद में, कितना समय होता है? हाँ सवेरे कितना बजे कथा होती है? अरे मंगल आरती के बाद में जैसे होता है ना, साढ़े छः बजे, ठीक साढ़े छः मंगल आरती। हाँ मंगल आरती कितने बजे होती है? साढ़े पाँच मंगल आरती, ठीक है। अभी ठंडा हो गया ना, ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम कृष्ण हरे हरे।